डिजिटल सिटीजनशिप, डिजिटल सिविलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप एंड ICT एथिक्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अबे सलमान एंड हियर आई एम योर कंप्यूटर टीचर। नाउ स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल अकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने न्यू टॉपिक पर बात करते हैं और आज हमारा न्यू चैप्टर है डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल सिटीजनशिप के बात करें तो पहले मैं आपको सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस दे दूँ। सिटीजनशिप होता है कि हम कहाँ के शहरी हैं, हम कहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं हर जगह पर रहने के, हर जगह पर। अब चूँकि हम डिजिटल दौर की बात करें हैं और कंप्यूटर के हवाले से बात करें हैं, डिजिटल सिटीजनशिप की बात करें हैं, तो इंटरनेट हो या आपका मोबाइल हो, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका क्या पर्पस है, आप उसको यूज़ करें लेकिन उसका मिसयूज़ ना करें, ये चीज़ें आपके डिजिटल सिटीजनशिप्स में आती हैं। ठीक है, अगर हम डिजिटल सिटीजनशिप की डेफिनेशन देखें तो डिजिटल सिटीजनशिप की रेफर्स करता है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाय एनी वन, कोई भी, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम चाहे कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई भी डिजिटल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे सोसाइटी में जिस तरह भी इंगेज हैं, ठीक है, एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे, चाहे आप एजुकेशनल से रिलेटेड हैं, चाहे आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, ये किसी से भी चीज़ से रिलेटेड है, वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलोअप करना होता है। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि डिजिटल सिटीजनशिप रेफर्स करता है टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोलिंग, आपने कंट्रोल करना है कि क्या आप किस तरह मैनेज करते हो या किस तरह आप डिस्क्राइब करते हो बाय इंटरनेट को, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, हमने उसके स्टेप्स को फॉलोअप करना होता है। फॉलोइंग आर दिस सम डिजिटल रूल्स, ठीक है, हम डिजिटल सिटीजनशिप के हम कुछ रूल्स पे हम बात करते हैं कि हमें किन किन रूल्स को फॉलोअप करना पड़ता है। नंबर वन पे आपका आ जाता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि किस तरह आप उस पर वर्कआउट करते हैं, आपको किस तरह हमदर्दी है, किस तरह आप उसको आप बात करते हैं। फिर सेकेंड पे आ जाता है हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट वर्क आपको किस तरह काम करता है। फिर हमने अंडरस्टैंडिंग पे बात करनी होती है, हमने उसको समझना होता है, हमने चीज़ों को, उसको जो भी यूज़र की चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, उसको आपने क्लियरली समझना है, उस पर वर्कआउट करना है। फिर हम प्रैक्टिसिंग करते हैं, प्रैक्टिस जो भी आपका काम है, चाहे इंटरनेट पे आप जो भी काम कर रहे हैं, मोबाइल पे जो भी काम कर रहे हैं, वो आपका प्रैक्टिसिंग ऑन लिटरेसी में आता है। लिटरेसी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी डिजिटल डिवाइसेज है। जो आप डिजिटल डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, आपका टैब है, उसमें आपने किस तरह डेटा को सिक्योर करना है, ये हमारे पर है। इट्स अप टू यू कि हम इसको किस तरह सिक्योर करेंगे, चाहे आप पासवर्ड लगा लें, पैटर्न लगा लें। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल सिटीजनशिप में आ जाती हैं। हमने जो रूल्स पढ़े उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे डिजिटल सिविलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल सिविलिटी क्या है? डिजिटल सिविलिटी इज़ डिस्क्राइब, इसको हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इन द असर्टिंग एंड केयरिंग ऑफ वंस आइडेंटिटी। हम किसी को किसी की ऑन आइडेंटिटी को, यानी कि अगर मेरी आइडेंटिटी है तो उस पर आप ये क्लेम कर दें, आप दावा कर दें, असर्ट कर दें कि ये आइडेंटिटी उसकी है, ठीक है जी। ये डिजिटल सिविलिटी में आती है, जो कि ये गलत चीज़ हमारे पे है कि हम किसी की भी का, आप एक डिजिटल उस पर बात कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे बात कर रहे हो और आप उस पर क्लेम कर दें कि ये जी मेरी आइडेंटिटी है, तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आपकी ऑनलाइन आती है, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो इंटरेक्शन होता है वो ऑनलाइन के साथ होता है। जब आप ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी करते हैं, कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें ऐसी चीज़ों को, रूल्स को, ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए कि जो कि इन चीज़ों से हट कर हों। ये आपके डिजिटल सिविलिटी से इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिविलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह यह है कि आपका जो काम है वो सारा इंटरनेट पर हो रहा होता है, ठीक है। आपने इस तरह की बात करनी है, इस तरह का काम करना है कि कोई भी आपके हरासमेंट ना हो, कोई भी आपकी अटैक ना हो, ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल सिविलिटी में आती है। डिजिटल सिविलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ असूल है कि हम किस तरह प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं। इसके देर आर फोर रूल्स ऑफ डिजिटल सिविलिटी। डिजिटल सिविलिटी के फोर रूल्स है। नंबर वन, लिविंग इन द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी एम्पैथी है, एक ऐसा काम है, एक्ट विद द एम्पैथी। आपने इस तरह हमदर्दी से काम करना है, कंपेरिजन करना है, या आपने एंड काइंडनेस करनी है, आपने इस तरह बात करनी है कि किसी को भी ये ना लगे, एवरीवन की डिग्निटी जो है वो हर्ट ना हो, हर किसी से इज्जत से बात करें, हर किसी का रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपसे छोटा है, बड़ा है,
हर किसी की रिस्पेक्ट करें। फिर नंबर टू, रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। आपकी जो है रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस का मतलब यह है कि आपकी जो है आपने डिग्निटी में जो ये शो करना है, डिफरेंट बैकग्राउंड जो है, आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी जो स्पीच है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें कोई फ़र्क ना हो कि कोई इस किस तरह का बंदा है, मैं उससे इस तरह बात कर लूँ तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे छोटा है या बड़ा है। आपने हर किसी के साथ वेल मैनर्ड, वेल बिहेवियर तरीके से बात करनी है। फिर नंबर थ्री पे आता है पॉजिंग बिफोर रिप्लाइंग। ठीक है जी, अगर आपने किसी से बात कर ली है, किसी ने आपसे कोई बात कर ली है, तो थोड़ा सा पॉज दे दें। ठीक है, आपने थोड़ा सा सोच के, ठीक है, पहले सोचें, ठीक है, फिर उसके बाद थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करने से पहले हमेशा सोचें कि आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड डोंट पोस्ट और एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है ना पोस्ट मत करें कि जिससे कोई हर्ट हो, किसी के पास कोई जो है वो कोई किसी को कुछ फील हो, कोई जो है वो उसकी कोई आपकी उसकी पर्सनल कोई चीज़ उसकी डैमेज हो, यानी कि वो उसकी ईगो डैमेज हो जाए, या कुछ भी उसके उसको फील हो, इस तरह की कोई आपने एक्टिविटी नहीं करनी। यानी कि जब भी कोई आपसे बात करे, आप थोड़ा सोच के और फिर उसको जो है जवाब दे दे, ये आपकी पॉजिंग फॉर रिप्लाइंग में आ जाएगा। और फिर नंबर फोर पर आपका आता है स्टैंडिंग अप योर सेल्फ और एंड अदर्स। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आपकी कोई चीज़ इस तरह है कि आप उसमें ट्रिगर्स करें, वैल्यूज़ को रिपोर्ट करें और फिर उसकी जो है उस पर वर्कआउट करें। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके प्रिंसिपल्स पे आती हैं कि स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े हों, अपने दूसरों के लिए हों, कि अगर टेल समवन कि अगर आपको कोई इस तरह की बात कोई कर रहा है, या आपकी कोई डिग्निटी को, या आपको कोई हराशमेंट, या कोई आपको इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा है, तो आप अपनी स्टैंड लें और ये जो चीज़ें हैं ये आप उस रूल के मुताबिक जो है वो चलें।